हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, कि आपके जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग थी उसमें लास्ट कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। नंबर टू, कि जो आपकी काउंसलिंग है सेकेंड राउंड की, वो कब से स्टार्ट हो रही है, उसे किस तरीके से आपने करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और नंबर थ्री आपका आता है कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसमें कितनी रैंक तक वाले स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। ठीक है, नंबर वन आता है यूआर कैटेगरी। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। ठीक है, उसमें ओपन की बात करें तो ओपन में जो आपका लास्ट कॉलेज मिला है वो स्टूडेंट है, उनका नाम है विजय सिंह, 175 इनकी स्टेट रैंक थी जीएनएम में। ठीक है, और इनको रोशनाबाद कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यूआर में ही वुमेन कैटेगरी होती है, प्रियांशी इनका नाम है, 54 इनकी रैंक थी और इनको रोशनाबाद कॉलेज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में ओपन कैटेगरी बात करें तो ओपन में सूरज रमोला इनका नाम है, 201 इनकी रैंक थी और इनको रोशनाबाद कॉलेज मिला है। एक चीज और, अगर किसी को लगता है कि ये डेटा जेन्युइन नहीं है, कुछ रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी पीडीएफ पड़ी है, इनको जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको डेटा में पूरी 100% रियलिटी और ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओबीसी वुमेन में वंदना इनका नाम है, 107 इनकी स्टेट रैंक थी जीएनएम में, इनको रोशनाबाद कॉलेज अलॉट हुआ है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में देखो वुमेन सीट नहीं होती है। ठीक है, मतलब वुमेन्स को मिल सकता है कॉलेज, लेकिन वुमेन सीट का अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है। तो ओपन कैटेगरी है यहाँ पे, इनका नाम है चंद्रा भास्कर, इनकी 627 रैंक थी, इनको लास्ट जो कॉलेज मिला है वो इतनी ही रैंक मिला है ईडब्ल्यूएस ओपन में फर्स्ट राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एससी कैटेगरी। एससी में ओपन कैटेगरी की बात करें तो तुषार आर्यन का नाम है, 396 इनकी रैंक थी, स्टेट रैंक 396 थी, इनको रोशनाबाद कॉलेज मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी वुमेन में, अंकिता इनका नाम है, 159 इनकी रैंक थी, रोशनाबाद कॉलेज इनको मिला है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में आपके ओपन कैटेगरी में अमिता राणा इनका नाम है, 262 इनकी रैंक है और रोशनाबाद कॉलेज इनको मिला है। एक चीज और, एसटी में भी आपका वुमेन रिजर्वेशन नहीं होता है अलग से। ये तो बात होगी कि फर्स्ट राउंड में कितनी कितनी कट ऑफ गई है। अब बात करें काउंसलिंग की, तो देखो काउंसलिंग आपकी 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर किसी ने अपनी सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई है अब तक, तो जाओ जाकर के काउंसलिंग करो अपनी, इसकी फीस नहीं लगेगी सेकेंड राउंड में। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करी है तो, अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ही नहीं करी है तो आपकी सेकेंड राउंड में फीस जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कॉलेज अपग्रेड कराना है तो वो भी अपना करा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी काउंसलिंग कब होगी और कैसे कैसे करके करनी है। अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे करके सेट करनी है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, बाकी आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मेरे थ्रू, मेरे गाइडेंस के थ्रू बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं, फिर आपका भले वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एएनएम हो या फिर पैरामेडिकल हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड ये आता है कि हमारी कितनी रैंक तक हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने कैटेगरी वाइज बताया है, यू आर ओपन, यू आर वुमेन, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी करके। तो अब आप थोड़ा सा इसमें आगे कर सकते हो अपनी रैंक को, कि इससे अगर आपकी रैंक 100-200 आगे है तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा कर लेना, ऊपर नीचे इतना हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड रहता है डेटा। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो प्लीज अच्छे से करना, बेस्ट टू वर्स्ट ही अपना जो चॉइस फिलिंग है उसको रखना। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हो सारे के सारे फिल करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।